नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आपका जो बैंक होता है, जो आप बैंक को लिंक करते हैं किसी भी पर्सनल लोन का EMI ऑटो डेबिट के लिए, क्रेडिट कार्ड का पैसा ऑटो डेबिट के लिए, पे लेटर का पैसा ऑटो डेबिट के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, गवर्नमेंट बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक, आप किसको लिंक करने से आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी आप लोन लेते हैं तो बैंक आपसे एक ECS फॉर्म सबमिट करवाता है पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से लेने के लिए। कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड का पैसा भी ऑटो डेबिट के लिए आपका एक अकाउंट चूज होता है। पे लेटर में लिंक करने के लिए भी आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लोग सही अकाउंट लिंक नहीं कर पाते हैं, मतलब कि कोई HDFC बैंक लिंक कर दिया, कोई ICICI बैंक लिंक कर दिया, कोई जो है आपका कोटक बैंक लिंक कर दिया, कोई SBI बैंक लिंक कर दिया, तो सब अलग अलग टाइप के अकाउंट को लिंक करते हैं। दोस्तों मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करूंगा। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा, किस टाइप से बैंक का दिक्कत प्रॉब्लम आती है। कभी भी आप इन सबको ऑटो डेबिट अगर लगाते हैं, पैसा अगर आप पे करते हैं बैंक से, तो गवर्नमेंट बैंक कभी गलती से लिंक ना करें। मान लो कभी इमरजेंसी में अकाउंट में पैसे नहीं रहे तो गवर्नमेंट बैंक आपसे 550 से लेके 450 से लेके और 750 से लेके समथिंग आपका पेनल्टी चार्ज ECS बाउंसिंग ऐड करेगा। प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट बैंक लिंक करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने SBI अकाउंट लिंक कर दिया है, तो मैं समझ रहा हूं कि इस मामले में तो इससे बेटर बैंक तो कोई है ही नहीं। 295 रुपए आपका चार्ज कटेगा और कोई चार्ज आपका ऐड नहीं होगा। तो भैया इस मामले में तो इसको मैं 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो अगर आप ओनली अकाउंट को लिंक करने के लिए सोच रहे हैं, पैसा आपका टाइम से डेबिट हो, दिक्कत ना हो, कभी पैसा आपके पास ना हो, पेनल्टी अधिक ना लगे, तो आप गवर्नमेंट बैंक को लिंक करें, मतलब कि SBI को लिंक कर दें, या तो आप और बैंक हैं गवर्नमेंट में उनको ऐड कर दें। बट मेरा खुद का सलाह है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप इसमें SBI ही लिंक करें, ज्यादा बेटर रहेगा, पेनल्टी आपकी ज्यादा नहीं ऐड होगी। अब यहाँ पे अगर प्राइवेट बैंक की बात करूं तो इनमें एक बहुत यूनिक नियम है कि अगर आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता है तो ज्यादा ECS चार्ज कट जाते हैं और आपको दिक्कत होता है। तो हमेशा गवर्नमेंट बैंक इन मामलों में काफी आगे निकलता है, समझे ना। और जो ECS का सिस्टम है बहुत बुरा है। अगर आपका पैसा ऑटो डेबिट होने वाला है, कोई दिक्कत आ गया, सर्वर प्रॉब्लम, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ गया, पैसा नहीं कटा, तो कभी कभी ECS चार्ज कट जाता है, आप शिकायत करते हैं, सुनवाई नहीं होता है। तो सतर्क रहना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे परेशान रहोगे। और हमेशा इस मामले में आप गवर्नमेंट बैंक को चूज कीजिए, क्योंकि मैंने प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों को लिंक करके चेक किया, मुझे गवर्नमेंट बैंक में ज्यादा बेटर लगा। आप बताना आपको कौन सा बैंक अच्छा लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नरुसा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।